मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी इन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि हम पिछले टॉपिक से पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में सेंड किए गए किसी भी डाटा को, किसी भी मैसेज को सिक्योर किया जाता है ताकि वह मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही तरीके से ट्रांसमिट किया जा सके, और इसके अलावा वह मैसेज में किसी भी प्रकार का अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके और कोई भी अनावश्यक यूज़र उस डाटा का यूज ना कर सके। इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार की नेटवर्क सिक्योरिटी यूज की जाती है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत क्रिप्टोग्राफी क्या है और किस प्रकार से ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि क्रिप्टोग्राफी एक नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड है जिसके माध्यम से नेटवर्क में डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में दो प्रकार के फंक्शन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म किए जाते हैं। सेंडर के द्वारा डेटा को सेंड करते समय इंक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है और रिसीवर के द्वारा रिसीव करते समय डिक्रिप्शन की प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है। इस प्रकार से जो क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस है, क्रिप्टोग्राफी जो मेथड है, एक प्रकार की सिक्योरिटी मेथड है जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे द्वारा सेंड किए गए ओरिजिनल मैसेज को, सेंड किए गए ओरिजिनल डेटा को इनक्रिप्ट करने और हाइड करने का कार्य करता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वह डेटा का अनावश्यक रूप से यूज ना कर सके। जैसे कि जो भी हम ओरिजिनल मैसेज, जो भी ओरिजिनल डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वह डेटा कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से उसका यूज ना कर सके और उसका अनावश्यक प्रयोग ना कर सके, इसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस में मुख्य रूप से दो सब प्रोसेस कंप्लीट की जाती हैं जिन्हें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहा जाता है। इंक्रिप्शन का यूज उस समय किया जाता है जब कंप्यूटर नेटवर्क में हम किसी भी डेटा को ओरिजिनल डेटा से और सिफर टेक्स्ट में या अदर कोड में चेंज करने का कार्य करते हैं। अर्थात इंक्रिप्शन प्रक्रिया में जो भी ओरिजिनल मैसेज होता है वो हिडन कोड में चेंज हो जाता है, और यह इंक्रिप्शन प्रक्रिया का यूज उस समय किया जाता है जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जबकि डिक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज उस समय किया जाता है जब हमें नेटवर्क के डेटा को हमें रीड करना होता है। अर्थात जो डेटा का रिसीवर होता है उसे डिक्रिप्शन की प्रक्रिया करनी होती है, और इस डिक्रिप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से वह सिफर टेक्स्ट को या अदर कोड के डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा में चेंज करने का वर्क करता है। इस प्रकार से क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस में डाटा को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो प्रोसेस कंप्लीट की जाती हैं, और यह दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में सीक्रेट की का यूज किया जाता है। तो देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट में क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। यहाँ पर एक जो सेंडर होता है, वो सेंडर किसी भी डेटा को अर्थात प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करता है, और इनक्रिप्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की का यूज करता है, और इसके पश्चात इंक्रिप्टेड डेटा सिफर टेक्स्ट में चेंज होता है, और सिफर टेक्स्ट में चेंज होने के बाद इंटरनेट के माध्यम से वो ट्रांसमिट किया जाता है, और जब इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाता है और उसे पुनः रीड करना होता है, तो रीड करने के लिए यहाँ पर डिक्रिप्शन की प्रक्रिया की जाती है, और इस डिक्रिप्शन प्रक्रिया में किसी सीक्रेट की या प्रीडिफाइंड सीक्रेट की का यूज करते हुए उस सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने का वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी को डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं
क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नेटवर्क में भेजे जाने वाले डेटा को ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, डेटा कॉन्फिडेंसी, इंटीग्रिटी और नॉन रिपुटेशन आदि प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस होती है उसके कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल और डेटा कॉन्फिडेंशियल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम डेटा को इंटरनेट में ट्रांसमिट करते हैं उस समय हमें ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है, अर्थात वह डेटा किसी अथराइज व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसका जो प्रमाणीकरण है वो ऑथेंटिकेशन किया जाता है और उसके एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, और डेटा का जो कॉन्फिडेंशियल है और डेटा की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। तो सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किए जाने वाले जो ओरिजिनल डेटा होते हैं उस ओरिजिनल डेटा को, उस ओरिजिनल मैसेज को ही हम रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, समझते हैं, और उस ओरिजिनल डेटा को यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट कहा गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, तो इस सेंड किए गए ओरिजिनल डेटा को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे कि जो भी प्रकार के अल्फाबेटिक करेक्टर होते हैं, हिंदी के फॉन्ट होते हैं, इंग्लिश के फॉन्ट होते हैं, तो ये जो ओरिजिनल फॉन्ट होते हैं ये प्लेन टेक्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सिफर टेक्स्ट। जब सेंडर के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट करते समय इंक्रिप्शन के माध्यम से प्लेन टेक्स्ट को हैश कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो उस कन्वर्टेड कोड या डाटा को हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। सिफर टेक्स्ट यूजर के लिए रीडेबल नहीं होता है, सिफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए वापस हमें प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिफर टेक्स्ट होता है वो एक प्रकार का विशेष कोड होता है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह ये होती है कि जो सिफर टेक्स्ट होता है वो एक प्रकार के पासवर्ड कोड के रूप में होता है, जैसे जिस प्रकार से हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो पासवर्ड टाइप करने के बाद वो हमें रीड नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो विशेष कोड को हम सिफर कोड बोलते हैं। तो इंक्रिप्शन के दौरान जो ओरिजिनल डेटा हैश कोड में बदल जाता है, हैश डॉट डॉट कोड बदल जाता है, तो ये हैश कोड जो होता है, ये स्पेशल कोड जो होता है, ये सिफर टेक्स्ट होता है, और यह सिफर टेक्स्ट किसी भी सामान्य की के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से रीड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बताया गया है कि जो सिफर टेक्स्ट होता है वो सामान्य रीडेबल टेक्स्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसे सिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, और ये दोनों ही क्रिप्टोग्राफी के बारे में आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि सिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है जिसे कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, और इस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक ही की द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसे सीक्रेट की कहा जाता है। तो सिमेंटिक की जो क्रिप्टोग्राफी है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जब हम डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं उस समय इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज़ करने के लिए केवल एक ही सीक्रेट की का यूज़ करते हैं या एक ही की का यूज़ करते हैं, और यह की को सीक्रेट की कहा गया है। जबकि जो दूसरी प्रकार की क्रिप्टोग्राफी होती है उस क्रिप्टोग्राफी में अलग अलग की का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि जो सेंडर होता है वो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करता है और सिफर टेक्स्ट में चेंज करता है, और फिर उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करता है और फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिसीव करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखने के लिए ये है कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही प्रक्रिया के लिए एक ही सीक्रेट की का यूज़ किया गया है। इस सीक्रेट की को शेयर किया जाता है, इसीलिए इसे शेयर सीक्रेट की भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो सिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी है उस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी में दोनों ही प्रकार की प्रोसेस में, दोनों ही प्रकार की टेक्निक में एक ही की का, एक ही सीक्रेट की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है
असिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी। इस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। इस क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही अलग अलग की के माध्यम से परफॉर्म होते हैं, और इंक्रिप्शन की प्रक्रिया में सेंडर के पब्लिक की का उपयोग किया जाता है, जबकि डिक्रिप्शन की प्रक्रिया में रिसीवर के प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार की जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया में डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार की यूज़ की जाती है, जैसे कि सेंडर की और रिसीवर की अलग अलग कहा गया है। तो जो असिमेंटिक क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ पर इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग की यूज़ किया है, जो हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि जो इंक्रिप्टेड की है वो इंक्रिप्टेड प्रोसेस है, यहाँ पर भी अलग प्रकार की यूज़ की गई है, और जो डिक्रिप्शन की प्रक्रिया है वहाँ पर भी अलग प्रकार की यूज़ की गई है, जिसके कारण इसमें दो की यूज़ की गई हैं, और दोनों ही की का यूज़ होने के कारण इसे जो है असिमेंटिक की या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने बताया आपको कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और ये कितने प्रकार के होती है, इसका यूज क्या होता है, और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, सिफर टेक्स्ट क्या होता है, इन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।